के लिए हम एक कैंपेन कर रहे हैं तो उसकी कुछ जानकारी आज हम शेयर करेंगे राइट right, राइट right. तो मेरा पहला सवाल ही बेसिक वही रहेगा सर कि व्हाट इज प्रोस्टेट कैंसर एक्चुअली सो प्रोस्टेट एक ऑर्गन है जो कि हमारे पेल्विस में होता है मेन में होता है फीमेल्स में ये ऑर्गन नहीं है सो so, इसका फंक्शन है कि एक सेमिनल फ्लूइड कुछ सिक्रीशंस बनाता है जो सीमन जो स्पर्म्स हैं उसकी नरिशमेंट और उसकी मूवमेंट में ये हेल्प करता है सो स्पर्म्स के साथ ही जो फ्लूइड है उसको सीमन बोलते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड इसको सिक्रीट करता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर कैंसर बन जाए तो उसको प्रोस्टेट कैंसर बोला जाता है और ये मेन में ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है सो पार्ट फ्रॉम लंग कैंसर एंड सम अदर कैंसर दिस इज ऑलमोस्ट नंबर वन एंड नंबर टू कैंसर इन दर्ल्ड इन मैन All right, all right. Next up, if I ask you, ki, uh, like, it's not common. If Uh, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्वड हैं इन प्रोस्टेट कैंसर या मेरे को तो बहुत इम्पोर्टेंट uh, सवाल है ये सो so, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम बदल नहीं सकते हैं और कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं सो so, सबसे पहले तो एज सो so, जैसे-जैसे एज बढ़ती है इसके इसका जो रिस्क है इसके होने का वो बढ़ता जाता है सो so, मेजॉरिटी जो है प्रोस्टेट कैंसर अबव 65 इयर्स ऑफ एज जो हो सकता है और यंगर मेन uh, में इसके होने के चांसेस कम रहते हैं okay. इसके अलावा कुछ फैमिली हिस्ट्री हो सकती है लगभग 10 से 20 परसेंट जो प्रोस्टेट कैंसर है वो कुछ फैमिली उसमें हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है और कुछ जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स भी हैं लाइक एक ब्रेका बी आर सी ए होता है ब्रेका वन एंड टू जीन्स और एक yeah. लिंच सिंड्रोम होता है जिसमें कुछ जीन्स जो है ट्रांसफर हो सकते हैं yeah. उसमें रिस्क बढ़ सकता है और कुछ रेसेस जो हैं लाइक African -American, जो है, उसमें रिस्क बाकी जो उसमें बाकी उनसे ज़्यादा है और कुछ केमिकल एक्सपोजर से भी इसका रिस्क बढ़ सकता है सो so, ये कुछ प्रमुख कारण है इसके

और जो हमारा जो कंट्रोल है वो हमारी डाइट पे है और लाइफ पे है और मोटापा जो है उसको अवॉइड करना है सो रेगुलर एक्सरसाइजिंग रफली कोई फोर्टी फिफ्टी मिनट्स एक्सरसाइज एटलीस्ट फोर टू फाइव डेज अ वीक अपना फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है इसके अलावा अपनी डाइट में जो है फैट्स और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना है कम करना है एंड फैट रिडक्शन के अलावा शुगर्स की रिडक्शन जो रिफाइंड शुगर्स हैं वो कम करनी है एंड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाना चाहिए हमें सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सो जितना भी रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम इंक्लूड uh, करेंगे डाइट में उतना ही उसमें कुछ प्रोटेक्टिव केमिकल्स हमें मिलेंगे जो कि हमें ना सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर बाकी और भी कई कैंसर से हमारा जो है वो बचाव करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू नो वेन वी से फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो हम एडवाइज कर देते हैं

एक तो नॉर्मली भी प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है एज के साथ उसको हम बीपीएच okay. बोलते हैं प्रोस्टेटिक मतलब मतलब वो 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 साइज बढ़ना ही है बट नॉन कैंसरस मतलब होता है okay. बट बहुत लोगों में ये कैंसरस हो सकता है और सिम्टम्स जो है मेनली क्या होता है यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाती है okay. जब यूरिन पास करते हैं एक तो बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है रात को बार बार उठना पड़ता है और उसके अलावा यूरिन का जो स्ट्रीम है जो धार है वो कमजोर हो सकती है उसमें यूरिन करते हुए ज्यादा जोर लगाना पड़ सकता है इसके अलावा यूरिन में खून का आना और पेल्विस में या पीठ की जो बोन्स हैं उसमें पेन होना ये भी एक कारण हो सकता है लक्षण हो सकता है सो क्योंकि जब प्रोस्टेट कैंसर मोस्ट कॉमनली बोन्स में स्प्रेड करता है तो इसलिए बोन पेन इसकी जो है स्प्रेड होने की वजह से हो सकती हैं और कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं कि वेट लॉस भी एक पॉसिबल जो है वो एक लक्षण हो सकता है सो so ये इसके प्रमुख जो है सिम्टम्स हैं ये लक्षण हैं ऑलराइट ऑलराइट अभी ये हमने सिम्टम्स की बात कर ली तो ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स आप लोग हैं द ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स पॉसिबल है सो व्हाट आर द ऑप्शंस जो ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल है फॉर प्रोस्टेट कैंसर सो so, कोई भी इस तरह के लक्षण हो स्पेशली जो यूरिन करने से संबंधी कुछ भी लक्षण है तो तुरंत उसकी एक जांच होनी चाहिए जांच आज की डेट में बहुत सरल है सबसे इंपॉर्टेंटली एक यूरिन का टेस्ट जो बहुत कॉमन है और बहुत सिंपल है एक अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड मशीन और जो रेडियोलॉजी जो ये टेस्ट करते हैं ये भी एक हमारे कंट्री में बहुत इजिली ये सुविधा उपलब्ध है सारे हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है साइज देखा जा सकता है और उसमें कोई अब नॉर्मेलिटी है वो भी दिख जाती है इसके अलावा एक फिंगर टेस्ट होता है जिसको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बोलते हैं तो उस फिंगर से भी हम एक अंदर से उसकी जांच करके देखते हैं कि क्या वो ग्लैंड कुछ सख्त तो नहीं हो गया और उसका साइज कुछ ज्यादा तो नहीं है और अगर हमें कुछ ऐसा और एक पीएसए का टेस्ट है जो स्क्रीनिंग में भी काम आता है पीएसए इज अ ब्लड टेस्ट सो ये ब्लड टेस्ट जो है ये पीएसए की मात्रा जो है ब्लड में बढ़ जाती है अगर ये प्रोस्टेट कैंसर होता है okay. और जितनी ज्यादा इसका जो लेवल है उतना ही ज्यादा उसका प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क हो सकता है और उसके स्प्रेड का भी जो है उसका भी अंदाजा इससे लग जाता है कितना हाई रिस्क प्रोस्टेट कैंसर है So, अगर हाई है, prostate का size है का ज़्यादा या अल्ट्रासाउंड में, में या अलावा सीटी स्कैन एमआरआई पेट स्कैन उसके अलावा और हायर टेस्ट हैं। ऐसा कुछ भी अगर हमें महसूस होता है नजर आता है तो हम उसकी बायोप्सी कर लेते हैं और बायोप्सी में ये प्रूव हो जाता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स उसमें है या नहीं है okay.

लाइफ हो सकती है और यूरिन में ब्लड आना एक और उसका मेन जो है प्रॉब्लम है और जब ये स्प्रेड कर जाता है तो बोन्स में या बाकी ऑर्गन्स में अगर ये स्प्रेड कर जाए तो हर उस ऑर्गन के सिम्टम हो सकते हैं लाइक बोन पेन्स हो सकती हैं कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है एंड पेन की वजह और बोन्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बोन के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं जो कि काफी ट्रबल्स हो सकते हैं एंड अगर लंग्स में लिवर में स्प्रेड कर जाए तो और भी जो है परेशानियां हो सकती हैं तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें जो टेस्टिस जो हमारा एक और ग्लैंड है जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है तो उसको या तो टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं या कुछ इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना बने इसको हम हार्मोन अब्लेशन बोलते हैं okay. तो इससे बड़ी सरलता से हम इसको इस कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं ट्रीटमेंट आसान है अगर ये स्प्रेड कर जाए और अर्ली स्टेजेस में इसकी सर्जरी भी हो सकती है तो आजकल तो इसकी इसको रेडिकल प्रोसेटिक्ट बोलते हैं और एक रोबोटिक्स जो है एक एडवांस्ड सर्जरी का एक मेथड है रोबोटिक्स सर्जरी से और भी सरलता से इसको ऑपरेट किया जा सकता है और जहां सर्जरी ना हो सके वहां रेडियोथेरेपी से भी इसको इस कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं और एडवांस स्टेजेस में हम इसको जैसे मैंने बोला हार्मोन अब्लेशन से और कुछ कीमोथेरेपी और कुछ और हार्मोनल दवाइयां हैं उससे भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं और बट uh, उसमें ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी कुछ साइड इफेक्ट्स और परेशानियां हो सकती हैं दैट वो डिपेंड right. करता है कि क्या स्टेज है और क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है राइट सो अर्ली डायग्नोसिस इज द की तो जो सिग्नल्स uh, आपने बताए जो सिम्टम्स आपने बताए दैट वन मस्ट नॉट इग्नोर एंड आई फील दैट थ्रू दिस वीडियो मेनी पीपल विल लर्न दिस थिंग एंड दिस विल बी रियली इनसाइटफुल फॉर पीपल हु वॉच दिस थैंक यू सो मच डॉक्टर सचिन फॉर जॉइनिंग अस ऑन बिग एफएम थैंक यू मेघा